नारायणपुर राइजना हिल्स प्रथम ओडिया आदिवासी महिला हे देशर प्रथम नागरिक दिल्ली दरबार में पुणी ओडिया दबदबा संख्यागणित एनडीए राष्ट्रपति प्रार्थी द्रौपदी सपक्ष में जवा पक्का ओडिया झीं बिजेडी समर्थन नवीन का घोषणा मकर दुनिया सफलतार शीर्ष में द्रौपदी मुर्मू भुवनेश्वर यूनिटी दुई हाईस्कल पाठपढ़ा रमादेवी कॉलेज शिक्षा पर सचिवालय आरंभ चाकरी जीवन रायरंगपुर ही आदिवासी महिला गौरवान्वित ओडिशा आदिवासी चेहरा द्रौपदी को प्रार्थी कर बड़ सामाजिक बार्ता देते प्रधानमंत्री मोदी साधारण काउनसिलर एवं राष्ट्रपति प्रार्थी सेपटे जातीय राजनीति में हेब साइड इफेक्ट आदिवासी अधिष्ठित राज्यगुड़िक बीजेपी प्रति आकर्षित हेबे जनता मोदी का गरीब और महिला कार्ड रायरंगपुर राजधानी सबुठ उत्साह और उत्सव मुखर परिवेश देशर सर्वोच्च स्थान में ओडिया आदिवासी महिला बसवाक जाऊ छुटुची शुभेच्छार सु राज्य बीजेपी कहला प्रधानमंत्री ऐतिहासिक निष्पत्ति पोप को भेटिले नवीन रोम वाटिकन सिटी जा ख्रीष्टीय धर्मगुरु पोप फ्रांसिस को भेटिंट मुख्यमंत्री विदेश गस्तर तृतीय दिन में पोप सौजन्यमूलक साक्षात महाराष्ट्र महासंग्राम संकट में उद्धव सरकार उद्धव का हाथ रु सरकार शिवसेना पार्टी को छड़ाई नेबे कि एकनाथ सिंधे गुवाहाटी में सिंधे 40 विद्रोही विधायक बीजेपी सपक्ष में सुहाउछि संख्यागणित सेपटे सिंधे चिठी पर उद्धव का जवाब शिव सैनिकों सामने कहले इस्तफा देवी नमस्कार आपण देखते प्राइम ओडिशा रायसेना राणी हेबे ओडियाणी महामहिम बनिबे मयूरभंज माटीर महिला देशर सर्वप्रथम नागरिक बनिबे जणे संताली ओडिया गतकाली एनडीएर राष्ट्रपति प्रार्थी भावे द्रौपदी ना घोषणा होगा मात्रे यह स्पष्ट हो सारी बीजेडी द्रौपदी मुर्मू को समर्थन कर द्रौपदी को समर्थन पर सबु विधायकों ट्वीट कर अपील बीजेडी सभापति तथा मुख्यमंत्री नवीन पटनायक संख्यागणित संपूर्ण रूपे द्रौपदी सपक्ष में थिबा बेले एबे अपेक्षा केवल जुलाई 21 को श्रीमती द्रौपदी मुर्मू इनको राष्ट्रपति का प्रत्याशी घोषित किया गया है रायरंगपुर रायसेना हिल्स दिल्ली दरबार रे पुणी ओडिया का दबदबा प्रथम ओडिया आदिवासी महिला देशर प्रथम नागरिक उत्फुल्लित ओडिशा गर्वित मयूरभंज विश्वरे गुंजरित हेब उत्कलर गाथा गौरवान्वित हेबे प्रतिटी ओडिया गतकाली एनडीएर राष्ट्रपति प्रार्थी भावे झारखंडर पूर्वतन राज्यपाल द्रौपदी ना घोषणा होगा पर राज्य सारा समस्ते खुश कहीं संख्यागणित क्यों ना क्यों द्रौपदी आराम रे उत्तीर्ण होइजिबे बोली अनुमान करा जाउछि राष्ट्रपति निर्वाचन में 233 राज्यसभा सांसद और 543 लोकसभा सांसद भोट देबे सेपरी 4120 जन विधायक मताधिकार सब्यस्त करेंगे प्रत्येक सांसदों भोट्र मूल्य होतशह अर्थात 776 जन सांसदों भोट्र मिलित मूल्य 543,200 से 4120 जन विधायकों भोट्र मूल्य 543,231 अर्थात राष्ट्रपति भोट पर 4896 जन मोट भोट्र मूल्य 10,86,431 से एनडीए पाखे भोट्र मूल्य
48.9% अर्थात 525,706 तेणु विजय पर द्रौपदी को आवश्यक मात्र 2.2% अर्थात 17,510 मूल्यर भोट सेपटे बीजेडी भोट प्रतिशत हो 2.9% अर्थात 31,686 सेपटे द्रौपदी को आज समर्थन घोषणा करिछि बीजेडी तेणु द्रौपदी रायसेना रेस रे विनर हेबा निश्चित बीजेडी को छाड़िले आंध्रर वाईएसआर कांग्रेस पार्टी पाखरे 4% और तेलंगानार टीआरएस पाखरे 2.2% भोट रहिछि। आमे आज बहुत गर्वित जेहेतु से राष्ट्रपति पई प्रार्थी हेचंती आशा करूछो से निश्चित भाव से विजय लाभ करिवे आटा हूँ आम रायरंगपुर मयूरभंज एवं ओडिशा पई बहुत गर्वर विषय राष्ट्रपति भाव से नियोजित हेबे तेणु ओडिशावासी को पई एटा बहुत बड़ गर्वर कथा। द्रौपदी सब बेले आम पई दीदी से जिते बड़ पदवी पातु ना कहीं आम सब दीदी डाकू कहीं से आम सहित अतप्रत भाव जड़ित से आम सहित सब बेले मिसिक रही आम ए अंचल विकास से सब कर्तव्य कर सेपटे विरोधी प्रार्थी जसवंत सिन्हा पाखरे किंतु संख्या बल बेस दुर्बल यूपीए पाखरे 21.9% भोट रही जार मूल्य 2.59 लक्ष तृणमूल कांग्रेस और आप पर दलर भोट प्रतिशत रही 19.9% जार मूल्य पाखापाखि 2 लक्ष तेणु सिन्हा स्वप्न पूरण होबार कौन संभावना ना सेपटे द्रौपदी झारखंड राज्यपाल रही सारी और से जड़े आदिवासी महिला तेणु हेमंत सोरेन वर्तमान केउ डंगारे बसिबे ताहा स्पष्ट महाराष्ट्र रे भी घड़िके घोड़ा छुटुची तेणु सेठारे विधानसभा भांगू बा फडणवीस मुख्यमंत्री हुवंतु ताहा सीधा सीधा एनडीए को सुहाइब सेमिति हेले बिना कौनसी दलर समर्थन रे प्रथम ओडिया भावे द्रौपदी रायसिनार राणी हेबा निश्चित। ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज। संघर्ष साधना सफलता बोधहुए ए तीनिटी शब्दर सम्मिश्रण रे तयारी महिला हेउछंती द्रौपदी। दिने राजधानी रे गप हेले भी सत चलचित्र देखिथिबा द्रौपदी को पाई एबे रायसिना हिल्स मध्य गप सत हेबा भली द्रौपदी का अश्रु स्वेद भरा जीवंत कहानी को नहीं आमर ही रिपोर्ट। लुह को सलाम करी जीवन केमिति बंचा जाए झड़ को पणतरे गंठी पकाई प्राण को प्रश्वास केमिति परसा जाए कोह को कोकेरे सुआई दे जीवन यात्रा रे केमिति पथिक साजिबा को हुए आउ गरीबर कला बौद चिरी केमिति सफलतार इंद्रधनु अंका जाए पचारंतु यांकु एई ओडियाणी को उत्कलर गर्व द्रौपदी मुर्मू को जे भोकर दुनिया रो सफलतार शीर्ष को छुई लुहकु चारि चौता करी रुमाल परि साइति रखी जीवन जीवार कला शिखी आउ शिखाई हुए तो आपण को यह गप भली लगुथबो हेले गप हेले भी सत कहीं से दिन अर्थ अभाव भुवनेश्वर में केवल गप हेले भी सत सिनेमा देखिथिबा द्रौपदी एबे बनिबा को जाउछंती महामहिम रायसेनार राणी। जीवनर झड़ भितरे अंटा सळखी दंभ धरिथिबा द्रौपदी को जन्म होइथिला 1958 जून 20 रे मयूरभंज जिला कुसुमी ब्लॉक उपरबेड़ा गाँव गाँव प्राथमिक शिक्षा शेष करिबा परे अधिक पढ़ीबा पाई इच्छुक होइथिले द्रौपदी किंतु सुजोग नथिला। संपर्क दादा कार्तिक चंद्र माझी भुवनेश्वर मंत्री थिवारु तांको उद्यम 1970 रे भुवनेश्वर आसिले द्रौपदी। यूनिट 2 हाईस्कल अष्टम श्रेणी में नाम लिखाइबा सह आदिवासी छात्री निवास रहिले 1974 रे मैट्रिक पास करिबा परे कॉलेज रे पढ़ीबा पाई आवेदन कराए बोली से जानी नथिले तेणु गोटे वर्ष अपेक्षा परे रमा देवी रे नाम लिखाइले द्रौपदी।
हॉस्टेल रही पढ़ुवा बेलू गाँव आसुला दस टा पाखे टा नजार सिनेमा तो स्वप्नर कथा कॉलेज कैंटीन जाऊन भुवनेश्वर आठ वर्षर छात्री जीवन मध्य मात्र गोटे सिनेमा देखी द्रौपदी रवि टकीज्रे गप हेले भी सत देखि द्रौपदी आज सतरे गप भी सत हो उन्नीसहस्तरी सचिवालय चाकरी जीवन आरंभ करते कुसुमी पहाड़पुर श्यामचरण मुर्मू को बहुत करने से द्रौपदी टुडुरु पलटि द्रौपदी मुर्मू विजयी हेले एवं रायरंगपुर एक आदिवासी अधिष्ठित गाँव रायसेना हिल जीवे द्रौपदी प्रथम ओडियाणी भाव देशर सर्वोच्च पदवी अलंकृत करे से जहाँ भी हो दुख और लुह को अस्त्र कर जीवन महाभारत विजयी बनवा यह महियसी महिला प्रत्येक ओडिया गर्वित और गौरवान्वित ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज। आदिवासी चेहरा द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति प्रार्थी करी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बड़ सामाजिक वार्ता माध्यम निजर राजनैतिक व्यक्तित्व को बड़ करने प्रयास कर द्रौपदी राष्ट्रपति प्रार्थी हेले जातीय राजनीति में कण हेब पार्श्व प्रतिक्रिया नजर पकाइबा रिपोर्ट रे जणे आदिवासी महिला को देशर प्रथम नागरिक पदरे बसाइबा एक बड़ निष्पत्ति द्रौपदी को एनडीए राष्ट्रपति प्रार्थी करी रायरंगपुर रायसीना हिल पठाइबा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूरदृष्टि संपन्न राजनैतिक निष्पत्ति बोली राजनैतिक विश्लेषक माने मतव्यक्त करिसेंति। द्रौपदी बाल्यकाल गरीबी अभाव नटन मात्र दृढ़ इच्छा शक्ति कठिन परिश्रम और दृढ़ आत्मविश्वास निच्छक प्रतिच्छवि साधारण काउनसिलर रु राजनैतिक जीवन आरंभ करिथिबा महिला को राष्ट्रपति प्रार्थी माध्यम रे देशर गरीब और महिला को विश्वास जितिबा पई योजनाबद्ध रणनीतिर अंश विशेष बोली आकलन करा जाउछि। द्रौपदी को राष्ट्रपति करी मोदी एक बड़ सामाजिक वार्ता माध्यम रे निज राजनीतिक व्यक्तित्व को बड़ करिबा पई प्रयास करिसेंति। आ द्रौपदी राष्ट्रपति प्रार्थी हेले जातीय राजनीति रे कौन हेबो पार्श्व प्रतिक्रिया नजर पकांतु। आदिवासी अधिष्ठित राज्य मानक उपरे बीजेपी रा नजर ओडिशा झारखंड और छत्तीसगढ़ रे बीजेपी शासन नहीं राज्य गुड़िकर आदिवासी जनता को बीजेपी को आकर्षित करने को प्रयास द्वंद्वे झारखंड मुख्यमंत्री और जेएमएम नेता हेमंत सोरेन राज्यर पूर्वतन राज्यपाल और आदिवासी नेत्री द्रौपदी मुर्मू को प्रार्थित्व को विरोध राज्यर आदिवासी करी पारंती ना पसंद आसन्न गुजरात निर्वाचन ने आदिवासी को बीजेपी आड़ को आकर्षित करने संभावना आगक मध्यप्रदेश निर्वाचन राज्यर आदिवासी को बीजेपी आड़ को टाणवे होपे सुजोग मोदी को गरीब पछुआ अवहेलित मसीहार मान्यता पथ कर सुगम मोदी गरीब महिला प्रिय चेहरा बीजेपी 2024 ट्रंप कार्ड साजिबो। ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज। रायरंगपुर राजधानी सबुठी उत्साह और उत्सवर परिवेश देशर सर्वोच्च स्थान रे ओडिया आदिवासी महिला बसिबा को जाउथुबारो छुटुची शुभेच्छा रस्व राज्य बीजेपी कहिछि प्रधानमंत्री निष्पत्ति ऐतिहासिक एनडीए राष्ट्रपति प्रार्थी भावे द्रौपदी मुर्मू ना घोषणा होगा पर रायरंगपुर नहीं राजधानी पर्यंत सबुठी उत्साह एवं उत्सवमुखर परिवेश देशर सर्वोच्च स्थान में जड़े ओडिया आदिवासी महिला बसवा को जाऊ चारिड़ छुटुची शुभेच्छार सुअ बीजेपी राज्य सभापति सांबादिक सम्मेलन जरिया द्रौपदी मुर्मू को शुभेच्छा जनवा सहित ओडिशा को एत बड़ उपहार देवु प्रधानमंत्री को धन्यवाद जन से कहिसेंति एहा प्रधानमंत्री ऐतिहासिक निष्पत्ति समाज अंतिम धाड़ी लोकंकु सर्वोच्च सम्मान प्रदान करिसेंति प्रधानमंत्री एक गरीब परिवार रे अनेक छड़छंचार सम्मुखीन होइतिले द्रौपदी मुर्मू से जीवनर समस्त परीक्षा रे उत्तीर्ण होइछंति काउन्सिलर रु राष्ट्रपतिर यात्रा द्रौपदींकर थिला बेस संघर्षमय जहाँ समस्त बीजेपी कर्मकर्ताको
बेश उत्साहित करिछि बोली कहिछन्ति समीर। सेहिपरि आदिवासी मानंकु मोदींकर एहा बड़ उपहार बोली दलर आदिवासी मोर्चा सभापति कहिथिबा बेले सांसद कहिछन्ति मोदींक फोकस रे पूर्व भारत। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओडिशा को ये दीर्घ आठ वर्ष शासन प्रक्रिया भितर समस्त प्रकार सहयोग कर मोदी ये जो उच्चकोटीर निष्पत्ति ए निष्पत्ति ओडिया जाति को केवल स्वीकृति देवार नुहे ओडिया अस्मितार प्रतीक। आदिवासी महिला आज जो प्रार्थीपत्र दाखल करने सिलेक्शन कर निश्चित भाव में आदिवासी माने आज बहुत खुशी अच्छा से ही दृष्टि निश्चित भाव में नेतृत्व को आम धन्यवाद देवु नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देवु जेपी नड्डा को धन्यवाद देवु एनडीए को धन्यवाद देवु। एटा ही आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी फोकस आप समस्ते जानी पूर्वोदय भारतीय जनता पार्टी एनडीए सरकार फोकस पूर्व उदय। सेबड़े मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ट्वीट पर द्रौपदी को समर्थन देवार संकेत देछि बीजेडी दलर सांसद अमर पटनायक कहते मुख्यमंत्री ट्वीट जहां संदेश देपण मैंने जहां आकलन करत आपण मान आकलन किसी भूल ना से दलर मुख्य सचेतक नैतिकता दृष्टि माटी माँपाई दल मत निर्विशेष समस्ते द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देवा कथा। हाँ मुख्यमंत्री ट्विटर रु संदेश आसूची आपण मैंने जहाँ आकलन करपण मैंने जहाँ आकलन करूल ना मुख्यमंत्री जहाँ ट्विटर में कहते कि प्रधानमंत्री विषय मुख्यमंत्री सागर डिस्कशन कर नैतिकतार कथा उठिले माटी मा कथा जो उठ समस्त समर्थन रहा उचित किंतु दलमत निर्विशेष आग मटी तापर पार्टी अंपटे राज्य कांग्रेस किंतु पड़ी हरड़ घणारे राज्य को एत बड़ पदवी मिलवाक जाऊ खुशी सामिल हो माटी सम्मान रखा ना पार्टी कथा शुणब ताक बेस मापिचुपी मंतव्य दे दलर सदस्य ओडार गोटे सौभाग्य आम भुवनेश्वर झी मु तो अनशत भाई खुशी ओडिया आदिवासी झी भुवनेश्वर पड़ी दि थर एम एल ए मंत्री एवं झारखंड गवर्नर दक्ष गवर्नर शुंखलित सभ्य हिसाब से सभ्य हिसाब से जातीय कांग्रेस दल अच्छा दल निष्पत्ति जहाँ समस्त ग्रहण करूँ और दल जो निष्पत्ति निष्पत्ति अनुसार कांग्रेस सदस्य हिसाब से कार्य कर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओडिशा को सबुबले दे अग्राधिकार मोदी आठ वर्ष काल में ओडिया लोक देशर शीर्ष स्थान में बसी कैबिनेट रे तीन तीन जन केन्द्रमंत्री को बड़ विभाग आंध्रर राज्यपाल ऑडिटर जनरल भली गुरुत्वपूर्ण पदवी ओडिया लोकों को मिलता बेले अनेकों को पद्मश्री पद्म विभूषण भली पुरस्कार भी देछंते प्रधानमंत्री। तेबे प्रथम थर पर जड़े ओडिया आदिवासी महिला को देशर प्रथम नागरिक पदवी व राष्ट्रपति भली सर्वमान्य पदवी में बसायबार प्रधानमंत्री निष्पत्ति समग्र ओडिया जाति को गौरवान्वित कर। भुवनेश्वर कैमरा पर्सन सनातन बेहरा सह रोशन रथ और दिव्यज्योति महांती रिपोर्ट अर्गस न्यूज। आपण देखते प्राइम ओडिशा खबर आगे भी रही कि सभा हो गए छोट विरतिर आरति पर देख महाराष्ट्र महासंग्राम संकटर उद्धव सरकार उद्धव हाथ सरकार सह शिवसेना पार्टी को छड़ाई ने कि एकनाथ शिंदे गुवाहाटी सिंधे 40 विद्रोही विधायक बीजेपी सपक्ष में सुहा संख्या गणित सेबे सिंधे चिठी पर उद्धव का जवाब शिवसैनिक सामने कहले देवी इस्तफा। वाटिकन सिटी रे ख्रीष्ट धर्मर गुरु पोप फ्रांसिस को भेटिंट मुख्यमंत्री नवीन पटनायक पोप को सौजन्यमूलक साक्षात करिसंती मुख्यमंत्री विदेश गस्तर तृतीय दिन रे पोप को भेटिंट नवीन यापर मुख्यमंत्री रोम स्थित जातिसंघर वर्ल्ड फूड प्रोग्राम रे ओडिशार सफलतार कहानी संक्रांत एक कार्यक्रम में उद्बोधन देवे और मुख्यमंत्री 26 तारीख अपराह 3:25 रोम्रु दुबई अभिमुखे गस्त करेंगे। दुबई में 29 तारीख में भारत सरकार और फिक्की द्वारा आयोजित ओडिशा निवेशक सम्मेलन व इन्वेस्टर्स मीट्रे सामिल हेबे नवीन
ତିରିଶ ଅପରାହ୍ନରେ 3:25 ଦୁବାଇ ଛାଡ଼ିବେ ଏବଂ ରାତି 8:20 ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ସେଠାରୁ ରାତି 9:30 ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଭିମୁଖେ ବାହାରି ରାତି 11:30 ଏଠାରେ ପହଞ୍ଚିବେ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ବିସ୍ତୃତ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଦୀର୍ଘ 10 ବର୍ଷ ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିଦେଶ ଗସ୍ତରେ ଯାଇଛନ୍ତି। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ମହାସଂଗ୍ରାମ ଘନଉଛି ରାଜନୈତିକ ସଙ୍କଟ ହରଡ଼ଘଣାରେ ଉଦ୍ଧବ ସରକାର ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ଶିବସେନାର ବିଦ୍ରୋହୀ ନେତା ଏକନାଥ ସିନ୍ଦେ 34 ବିଧାୟକଙ୍କ ଦସ୍ତଖତ ସମ୍ବଳିତ ଏକ ଚିଠି ବି ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଏକନାଥଙ୍କର ଚିଠି ପରେ ଫେସବୁକ୍ ଲାଇଭ୍ରେ ଜବାବ ରଖିଛନ୍ତି ଉଦ୍ଧବ। କହିଛନ୍ତି ମୋତେ ଯଦି କେହି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ତେବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସି କୁହନ୍ତୁ, ଇସ୍ତଫା ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବା କହିଛନ୍ତି ଉଦ୍ଧବ। ଶିବସେନା ଯୁଗ ଶେଷ, ସଙ୍କଟରେ ଉଦ୍ଧବ ସରକାର। ଉଦ୍ଧବଙ୍କ ହାତରୁ ସରକାର ସହ ଶିବସେନା ପାର୍ଟିକୁ ଛଡ଼ାଇ ନେବେ କି ଏକନାଥ ସିନ୍ଧେ? ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ରାଜନୈତିକ ସଙ୍କଟ ଘନେଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଶିବସେନା ନେତା ଏକନାଥ ସିନ୍ଧେଙ୍କ ବିଦ୍ରୋହ ପରେ ସଙ୍କଟରେ ଉଦ୍ଧବ ସରକାର। ସିନ୍ଧେଙ୍କ ଦାବି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ 40 ବିଧାୟକଙ୍କ ସମର୍ଥନ ରହିଛି। ସେମାନେ ସିନ୍ଧେଙ୍କ ସହ ଆସାମର ଗୁହାଟୀର ଏକ ହୋଟେଲରେ ରହିଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଯଦି ସିନ୍ଧେଙ୍କ ଦାବି ସତ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ଉଦ୍ଧବଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ସିନ୍ଧେଙ୍କ ପାଖରେ ଅଧିକ ଶିବସେନା ବିଧାୟକଙ୍କ ସମର୍ଥନ ରହିଛି। ଦଳ ବଦଳ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଆଇନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଧାୟକଙ୍କ ସଦସ୍ୟତା ରଦ୍ଦ କିମ୍ବା କୌଣସି ଆଇନଗତ ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ଯଦି ଏପରି ହୁଏ, ଉଦ୍ଧବଙ୍କ ହାତରୁ ସରକାର ଯିବା ସହ ଶିବସେନାର ସର୍ବେସର୍ବା ହୋଇପାରନ୍ତି ସିନ୍ଧେ। ଆମର ଦଳ ବଦଳ ନିରୋଧ ଆଇନ ଯେଉଁ ଅଛି, ସେ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଯାହା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଶିବସେନା ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟାକ୍ ଫୁଟ୍ରେ ରହିଛି ବା ଶିବସେନାର ବହୁତ କ୍ଷତି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ସେମାନେ ଯଦି କୌଣସି ଯଦି କିଛି ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖେଇକରି ପୁଣି ଯେଉଁମାନେ ପାର୍ଟି ଛାଡ଼ିକରି ଯାଇଛନ୍ତି, ଆମେ ଯାହା ଜାଣୁଛୁ ଯେ ପାଖାପାଖି 40 ଜଣ ବିଧାୟକ ପାର୍ଟି ଛାଡ଼ିକି ଯାଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ 2/3 ଏଇଟା ଅଧିକ ହୋଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ପାର୍ଟି ଭାଙ୍ଗିବାଟା ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଯଦି ଶିବସେନା ଭାଗ ଭାଗ ହୋଇଯାଏ ତାହେଲେ ସରକାର ତିଷ୍ଠିବ ନାହିଁ, ଯାହା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଯେ ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେ ଇସ୍ତଫା ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ ଏବଂ ନୂଆ ରାଜନୈତିକ ସମୀକରଣ ଜନ୍ମ ନେବ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ, ଏବଂ ଏଥିରେ ଅନ୍ୟ ଦଳମାନଙ୍କର ଭୂମିକା କ'ଣ ରହିବ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ ଦଳ ଭାବରେ ବିଜେପି ସରକାର ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ ନିଜ ପଟକୁ ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଏକନାଥ ସିନ୍ଧେଙ୍କ ବିଦ୍ରୋହ ପରେ ସଙ୍କଟରେ ଉଦ୍ଧବ ସରକାର, ଏଥିପାଇଁ ଘନ ଘନ ବୈଠକ ଓ ସାକ୍ଷାତ ଆଲୋଚନା। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ହୋଇଥିବା କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ ସାମିଲ ହୋଇନଥିଲେ 8 ମନ୍ତ୍ରୀ, ଏମିତିକି ଆଦିତ୍ୟ ଠାକରେଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନଥିଲା। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ବିଧାନସଭା ଭାଙ୍ଗିବା ନେଇ ସଙ୍କେତ ଦେଇସାରିଛନ୍ତି ଶିବସେନା ନେତା ସଞ୍ଜୟ ରାଉତ। ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଫଡ଼ନାଭିସ୍ଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ହୋଇଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ। ସେପଟେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ 34 ବିଧାୟକଙ୍କ ଦସ୍ତଖତ ସମ୍ବଳିତ ଏକ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ସିନ୍ଧେ, ଯାହାର ଜବାବ ଫେସବୁକ୍ ଲାଇଭ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେ। କହିଛନ୍ତି ଯଦି ଶିବସେନାରେ ତାଙ୍କୁ କେହି ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ସାମ୍ନାରେ ଆସି କୁହନ୍ତୁ, ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ପଦ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବା କହିଛନ୍ତି ଉଦ୍ଧବ। ହୋ ସକ୍ତା ହେ ଅବ ତକ୍ ଶିବସୈନିକଙ୍କ ଗୁସ୍ସା ଫୁଟ୍ ନାଇଁ ପଡ଼ା ହେ ଉଦ୍ଧବ ଜୀ ନେ ଆର୍ ପାର୍ଟି କେ ସଭି ନେତା ନେ ଯେଉଁ ସନ୍ଦେଶ ଦିଆ ହେ କି ସଂଯମ ରଖିଏ, ଲୋକ ୱାପସ ଆ ଯାଏଙ୍ଗେ। ଜରୁର ମୁଁ ସିଏମ୍ ସାହେବ ସେ ମେରି ମୁଲାକାତ ହୋଗୀ, ଉନକେ ସାଥ ମୁଁ ବୈଠୁଙ୍ଗା, ଲେକିନ ଯୋ କରନା ହେ ଓ ମହାବିକାଶ ଆଘାଡ଼ି ଏକ ସାଥ ବୈଠ କର ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଲେଗି। ଜବ ତକ୍ ବିଧାୟକ ମୁମ୍ବାଇ ମେ ନହିଁ ଆତେ तब तक कोई निर्णय नहीं होगा। बहुत सारी बातें हुई जी, वो कॉन्फिडेंट है, उन्हें विश्वास है कि शिवसेना के विधायक उनका साथ देंगे। जो चले भी गए हैं, बहुत सारे लोग गलतफहमी में गए हैं, उनका ये विश्वास है। कौन है वो सीट समीकरण देखंतु, 288 विधानसभा आसन विशिष्ट महाराष्ट्र रे ଶିବସେନାର ଜଣେ ବିଧାୟକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିରେ ବହୁମତ ପାଇଁ ଦରକାର 144 ଆସନ। ଉଦ୍ଧବଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ବିକାଶ ଅଘାଡ଼ିରେ ସିନ୍ଧେଙ୍କ ସହ 40 ବିଧାୟକଙ୍କ ବିଦ୍ରୋହ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ସଂଖ୍ୟା 169ରୁ ଖସି 139ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଶିବସେନାର 40 ବିଦ୍ରୋହୀ ବିଧାୟକ ସରକାରରୁ ବାହାରି ଯାଇଛନ୍ତି।
तेबे उद्धवक पाखरे शिवसेनार 15, एनसीपीर 53, कंग्रेसर 44 एवं निर्दलीय 17 विधायक रहिबे। सेहिपरे बीजेपी 106 और अन्य समर्थन में फडणवीस सपक्ष में रही 118 जनों समर्थन। तेणु एभली स्थित जदि बीजेपी को सिंधे समर्थन करती तेज 118 युक्त 40 158 आसन सह सरकार गठन करती पूर्वतन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। दल बदल को नहीं कौन आईनगत भय मध्य कारण दल बदल नियम अनुसार जदि कौन दलर दुई तृतीयांश विधायक निर्दिष्ट दलर बाहरी नुआ दल गठन करती किंवा कौन दल में विलय हूँ तेरे से सदस्यता रद्द होना। वर्तमान संख्या गणित देखिले महाराष्ट्र में बड़ दल भाव उभा हेब बीजेपी। राज्यपाल चाहिले बीजेपी को सरकार गठन डाकि पारती। विश्वप्रसिद्ध रथजात्रा बढ़िव कोविड परीक्षा ने जनस्वास्थ्य निर्देशक निरंजन मिश्र कहते आगक रथजात्रा आसू पुरी में लक्ष लक्ष लोकों समागम होवार संभावना रही तेणु पुरी में अधिक टीकाकरण करने को पुरी प्रशासन को अवगत करा जो मैंने द्वितीय डोज बा प्रिकसन डोज नहीं एक स्वतंत्र क्या कर टीका ने अवगत कराई स्वास्थ्य विभाग एथस परिमल और समस्त आनुषंगिक व्यवस्था करने को निर्देश दि जाए। कोविड संक्रमण रही आगक रही राज्य में जीत आक्टिव केस रही बहुत कम संख्यार आक्रांत हस्पिटाल जातु राज्य में भल भाव टीकाकरण हो तेणु रोगर भय कम रही संक्रमण अच्छी छाड़ी जाती डब्ल्यूएचओ जहाँ कहे रही तेणु यह स्पोराडिक आउटब्रेक हम कि पर मतलब बढ़ो किंतु मुख्य कथा हूँ जी आक्टिव केस अच्छे तार बहुत नगण्य संख्यार लोक डाक्तखाना टोटाल 4-5 लोक डाक्तखाना अच्छा। सब प्राइम ओडिशा आज खबर को ये रखा नमस्कार।